अगली खबर में बात करते हैं उदयपुर वाटी की, जहां सेना के युद्धाभ्यास में टैंक की बैरल फटने से शहीद हुए झुंझुनू के उदयपुर वाटी के नायब रिसालदार सुमेर सिंह का शनिवार दोपहर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके गांव बगड़िया की दाढ़ी अंतिम संस्कार कर दिया गया। अपने लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए न केवल इस गाँव के बल्कि पूरे जिले से सैकड़ों लोग पहुंचे। बारिश के बीच शहीद की अंतिम यात्रा निकाली गई, जो गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए अंत्येष्टि स्थल पर पहुंची, जहां शहीद के 8 वर्ष के मासूम बेटे कृष्ण ने उन्हें मुखाग्नि दी। यह दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो उठी। सैन्य अधिकारियों ने मासूम कृष्ण को पार्थिव देह पर ढका तिरंगा सौंपा तो पूरा स्थल शहीद के जयकारों से गूंज उठा। इससे पूर्व सेना की एक टुकड़ी ने शहीद को अंतिम सैल्यूट किया। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम जन ने शहीद को पुष्प चक्र अर्पित किए। झुंझुनू के लाल की तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और युवा शामिल हुए। लोगों ने रास्ते भर फूल बरसाकर शहीद को नमन किया। सेना के युद्धाभ्यास में टैंक की बैरल फटने से शहीद हुए उदयपुर वाटी के नायब रिसालदार सुमेर सिंह का शनिवार दोपहर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके गाँव बगड़िया की दाढ़ी में अंतिम संस्कार कर दिया। आपने लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए न केवल इस गांव के बल्कि पूरे जिले से सैकड़ों लोग पहुंचे। बारिश के बीच शहीद की अंतिम यात्रा निकाली गई, जो गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए अंत्येष्टि स्थल पर पहुंची, जहां शहीद के 8 वर्ष के मासूम बेटे कृष्ण ने उन्हें मुखाग्नि दी। यह दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम होती। सैन्य अधिकारियों ने मासूम कृष्ण को पार्थिव देह पर ढका तिरंगा सौंपा तो पूरा स्थल शहीद के जयकारों से गूंज उठा। इससे पूर्व सेना की एक टुकड़ी ने शहीद को अंतिम सैल्यूट किया। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम जन ने शहीद को पुष्प चक्र अर्पित किए। पार्थिव देह जब शहीद के घर पहुंची तो उनकी पत्नी सुमन देवी और मां जानकी देवी एक बार तो बेसुध हो गईं। रिश्तेदारों ने बड़ी मुश्किल से संभाला। 8 साल का बेटा कृष्ण और 15 साल की बेटी भावना का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बेटी भावना बार बार अपने पिता को पुकारती रही और यह कहती रही कि पापा एक बार तो खड़े हो जाओ। मासूम कृष्ण पिता की देह के पास ही खड़ा रहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो सब्र धीरे हो और कह रहा हो कि मेरे पिता बहुत बहादुर थे।